हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड एंड न्यू ब्लॉग। तो आज है 22 जून। मैंने कल 21 जून का पहला अपना ब्लॉग शूट किया था, तो काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए हैं उसको लेकर। तो आपके कमेंट और आपका प्यार देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिली है। तो आज मैं आपके कमेंट से मोटिवेशन लेते हुए मैं अपना सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपने मेरे ब्लॉग को पसंद किया तो उसके लिए थैंक यू। और नेक्स्ट ब्लॉग मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में आपको दिखाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। ये है यक्षु महाराज जो कि अपना दूध पी रहा है शीशी से लेटकर। तो ये अभी पार्ले जी बिस्कुट खा चुके हैं, अपना पार्ले जी बिस्कुट लाए थे और इन्होंने अपना पार्ले जी बिस्कुट खा चुके हैं। कुछ बोलना चाहोगे यक्षु? ये कुछ नहीं बोलेगा, ये सिर्फ दूध पी रहा है। कुछ बोलना चाहोगे? मना कर रहा, नहीं बोलेगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सुबह की शुरुआत पूजा से करते हैं। पूजा कर रही हैं। ये हमारे, देखिए आप, कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल। तो आप इनसे मिलिए। ये हमारे कान्हा जी, मैं सरस्वती माता की पूजा करता हूँ और ये हमारे कान्हा जी हैं। आप हमारे सारे भगवान जी को, और क्या कह रहा हो? बाबू। बाबू कौन सा बाबू? ये देखिए, गर्मा गर्म चाय बन रही है, बहुत ही अच्छी। ये देखिए, गर्मा गर्म पराठा सिक रहा है। तो हम लोग तो नाश्ता कर चुके थे, पापा जी के लिए ये पराठा बनना है। बना रहे हैं तिकोना पराठा पापा जी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर आप देखिए कितना क्रिस्पी पराठा है ये। हम इसे हल्की आंच पे सेकेंगे ना, तो उतना ही क्रिस्पी ये बनेगा। क्रिस्पी बना है पराठा ये देखिए। क्या बना है दोपहर के खाने में? टिंडे आलू। टिंडे आलू बने, देख सकते हैं आप। लवीज किचन की शूटिंग भी चल रही है साथ साथ में। आप टिंडे आलू, इसमें क्या क्या पड़ने को रह गया? बस ये बन गया यार। इसमें कुछ नहीं पड़ना है, बस इसमें आलू डाल के टिंडे के साथ में बनाया है। रेसिपी टिंडे है ना, तो आज दोपहर के खाने में ये मिलने वाला है हमें, टिंडे आलू। रेसिपी कब तक लवीज किचन पर पड़ने वाली है? इसकी रेसिपी आज शाम को या कल सुबह तक पड़ जाएगी। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइबर चैनल पर, तो लवीज किचन चैनल पर जाइए, वहाँ पर हमारी 450 वीडियो पड़ चुकी हैं। तो वहाँ पे हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यक्षु क्या कर रहा है? मम्म कहाँ से लिया है? करोगे इसे, मिलाओगे? हाँ। मिलाओ, मिला के दिखाओ। नापेगा पानी को। ये मिला, ये मिला, वाह वा। सब फैल गया। यक्षु किसका फोन था बोल के बताओ, किसका फोन था? आया उसकी चीजी गिर गई। यक्षु किसे बुला रहा? किसे बुला रहा? क्या लिया है? क्या चीज है? ये कोको नहीं है, ये क्या चीज खेलने के लिए लिया है तुम? टी-शर्ट देखो, टी-शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ये टी शर्ट कितने पहनाई मैं तुम्हें? क्यों मम्मा ने पहनाई? ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड और जैम। क्या बनेगा इसका? ये रोटी के गस्से। आप गस्से क्यों बना रही हैं? जो बची हुई रोटी थी वो हमने फ्रिज में रख दी थी, तो मैंने सोचा इसके गस्से बना लूं टमाटर वगैरह डाल के। तो ये हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बना सकते हैं टमाटर वगैरह डाल के। अगर ये बन जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी बनती है ये। तो ये बन के तैयार हो गए। तो ये आप इसके ऊपर कुछ डाल के देना, बस ये ऐसे ही खाए जाते हैं। इस पे घी डाल लो, देखने में तो काफी अच्छे लग रहा है। तो आप इस पर देसी घी डालकर खाइए, काफी टेस्टी लगते हैं खाने पे। ये क्या देसी घी, और देसी घी के साथ ये काफी टेस्टी लगते हैं, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। ये लवीज किचन चैनल पर रेसिपी आ चुकी है इसकी? हाँ, शॉर्ट पड़ चुका है। अच्छा, लवीज किचन चैनल पर इसका शॉर्ट पड़ चुका है, आप शॉर्ट देख सकते हैं और ये बना सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वैसे वैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करता चला जाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो कल मिलेंगे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। बोलना चाहोगे? मना कर रहा, नहीं बोलूंगा। सब्सक्राइबर क्या क्या पानी हो रहा है? हो गया।